आप देख रहे हैं E7 न्यूज। E7 न्यूज में आपका स्वागत है। चले नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों पर। मौसम ने ली अचानक करवट। तेलंगाना के कई इलाकों में तेज रफ्तार बरसात के साथ आसमानी ओलों ने बढ़ाई आफत। ओलावृष्टि की वजह से सड़कों पर हुई ट्रैफिक जाम। सफेद संगमरमर जैसी दिख रही ये सड़कें, खेत खलियान किसी पहाड़ी इलाकों से कम नहीं। बर्फ के ओलों से सजी सड़कें तेलंगाना के कई जिलों की है। विकाराबाद, मरपल्ली, कोहे जैसे जिलों में कश्मीर जैसा मंजर छाया हुआ था। हर जगह सड़कों और खेतों में बर्फ के ओलों का अंबार पड़ा हुआ था। तेज रफ्तार बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हुई थी। हालांकि ये बारिश या ओलावृष्टि किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। बर्फ की चादर के नीचे फसलें दब चुकी थी। ओलावृष्टि से लोगों को काफी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक NLC और BJP नेता आर शंकर के घर पर पड़ी रेड। हजारों साड़ी और स्कूल बैग बरामद। बीजेपी नेता आर शंकर के घर पर पड़ी कमर्शियल रेड। टैक्स विभाग के रेड में हजारों की संख्या में साड़ी और स्कूल बैग मिले हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए इन चीजों को जमा किया गया था। कुल मिलाकर 9000 स्कूल बैग और 6000 साड़ियां बरामद हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बोले, अडानी मामले पर पीएम मोदी चुप क्यों है? विपक्ष की आवाज को दबा रही है मोदी सरकार। अडानी मामले की कार्रवाई की मांग को लेकर संसद से ईडी दफ्तर तक विपक्षी दलों के सांसदों का पैदल मार्च। विजय चौक पर रोका गया मार्च। पुलिस बोली, धारा 144 लागू। राहुल गांधी की वतन वापसी। राहुल गांधी ब्रिटेन से भारत लौटे। चुनाव से पहले 20 मार्च को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। यूथ मैनिफेस्टो प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना फिर दे रहा दस्तक। पिछले 24 घंटों में 1618 मामले सामने आए। बुधवार को 402 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ रहे ये मामले। पिछले 24 घंटे में 176 नए मामले और 787 एक्टिव केस और एक बुजुर्ग की गई जान। किसानों का पैदल मार्च हुआ तेज। महाराष्ट्र में नासिक से मुंबई के लिए किसानों का पैदल मार्च का आज का चौथा दिन। अपनी मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं शिंदे सरकार के खिलाफ मार्च। किसानों की प्रतिनिधियों की आज सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। आज 3 बजे किसान मंडल की हुई बैठक। कर्नाटक चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी। शुक्रवार को पार्टी करेगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। CBI ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया के खिलाफ नया केस दर्ज किया। दिल्ली जासूसी मामले में हुई FIR दर्ज। न्यूजीलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप। रिंग और फायर में मौजूद कर्मा डेक आइलैंड था। केंद्रीय अमेरिकी एजेंसी ने जारी की सुनामी की चेतावनी। तुर्की में भूकंप के बाद अब देश को बाढ़ की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तुर्की में एक बार फिर लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। देश में भूकंप के बाद बाढ़ का कहर। ये दोहरी मार तुर्की को एक महीने के भीतर देखने को मिल रही है। तुर्की में मूसलाधार बारिश से लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर देखने को मिला। लोग डूबने लगे। पहले भूकंप ने यहाँ भीषण तबाही मचाई जिसमें 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब यहाँ बाढ़ तबाही मचा रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 136 मिलीलीटर बारिश हुई। वहाँ तुर्की के अन्य भूकंप प्रभावित इलाकों में यानी सनलियुर्फा में भी ऐसा ही कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बारिश और बाढ़ ने कई लोगों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ भी 111 मिलीलीटर बारिश हुई है। इसी तरह की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए E7 न्यूज़।